यहाँ पर टेबल बहुत दिक्कत होती है, बचपन से ही हम लोगों को स्टार्ट करा दिया जाता है कि पहाड़ा, टू का टेबल, थ्री का टेबल, फोर का टेबल। तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, यानी कि 10 तक की जो गिनती है ये ऐसे 1 की टेबल कहेंगे। अब दोस्तों 2 की टेबल आप जानते हैं, 3 की भी टेबल जानते हैं, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। मुझे ये लगता है कि सारे बच्चे 8 तक की टेबल बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। दिक्कत दोस्तों 9 से होती है। तो देखिए मैं ये बताऊंगा कि 9 का जन्म कैसे हुआ या 9 का टेबल बनी कैसे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको 9 की टेबल लिखना है। तो 9 की टेबल में सबसे पहले हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम जानते थे। 0 से स्टार्ट किया, 10 ही डिजिट होते थे, इसे दशमिक प्रणाली सिस्टम बोला जाता है। अब दोस्तों ये 10 तक हो गया, अब यही चीज हम नीचे से उल्टा लिखना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों 9 का पाड़ा हो गया। देखिए इसको देखेंगे, इसको कह सकते हैं 0, 9, किसी भी अंक के आगे कितनी भी जीरो लगा दें, वैल्यू के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 9 हो गया, उसके यहाँ देखेंगे 1, 18, 1, 8, यहाँ पर देखेंगे 27, यहाँ देखेंगे 36, यहाँ देखेंगे 50, 45, उसको यहाँ देखेंगे 54, यहाँ देखेंगे 63, उसको यहाँ देखेंगे 72, यहाँ देखेंगे 81 और यहाँ देखेंगे 90। अब जरा काउंट करके देख ले तो हमको क्या है, एक का पाड़ा पहले इधर से इधर की तरफ लिखना है और दूसरे में फिर एक पाड़ा यहाँ से इधर की तरफ लिखना है और दोनों को यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा 9 का टेबल हो गया। दोस्तों अब मैं आपको 10 का, आप जानते हैं दिक्कत होती है 12 से, तो 12 से दोस्तों मैं आपको सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं आपको 12 का टेबल का ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको 12 की टेबल लिखनी है, कितने की, 12 की, तो ऊपर है वो 1 का टेबल है और नीचे लिखना है 2 का टेबल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं यहीं पर आपको लिखा देता हूँ, ये 12 अगर हमको करना है, 12 करना है, तो ये ऊपर वाला 1 का टेबल और यहाँ पर लिखते हैं 2 का टेबल। अगर 13 का टेबल लिखना है तो ऊपर 1 का टेबल, नीचे 3 का टेबल। और इसको कंबाइंड कैसे करते हैं वो आप देखिए, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ये हमारा 1 का टेबल है, ये हमारा 2 का टेबल है, दोनों हो गए 12। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे 2, 12, यहाँ पर चलेंगे 2 पे 4, 24, यहाँ पर चलेंगे 3 पे 6, 36, यहाँ पर चलेंगे 4, 8 हो जाएगा 48। दोस्तों दिक्कत कहां पर होती है उसको ध्यान से देखिए, जब ये 3 वर्ड आ जाए, देखिए यहाँ पर 5 पे 10 है, तो दोस्तों ये वाला वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता है, ये वाला वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और नीचे वाला कितनी तरफ दिया जाता है, यहाँ पर चलेंगे कि ये वाला इसमें जुड़ेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे वाला कितनी तरफ दिया जाता है, और दोस्तों यहाँ पर चलेंगे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 1, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया, 4 इधर रहेगा, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 6, नीचे वाला 6 रहेगा, यहाँ पर दोस्तों कितना, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और नीचे 8 रहेगा, यहाँ पर चलेंगे 10, 2 कितना हो जाएगा, 12, 120 हो जाएगा। दोस्तों करके देख लीजिए, 12 का 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 62, 84, 120। अब दोस्तों आप देख लीजिए 13 का पाड़ा। देखिए दोस्तों अगर आपको 13 का पाड़ा लिखना है तो ऊपर 1 का पाड़ा यानी कि 1 से 10 तक गिनती, नीचे 3 का पाड़ा। दोस्तों 14 का लिखना है, 1 का ऊपर गिनती, 10 तक गिनती, नीचे 4 का पाड़ा, जहां पर वर्ड मिले उसको जोड़ देना है। फिर जहां 16 का लिखना है, ऊपर 1 का पाड़ा, नीचे 6 का पाड़ा। 17 का लिखना है, वही चीज करना है, ऊपर 1 से 10 तक गिनती। फिर 18 का भी वही करना है। 19 का मैं एक और बता देता हूं आपको, देखिए जैसे 19 का हमको करना है तो पहले 1 का पाड़ा ऊपर रहेगा और नीचे 9 का पाड़ा आएगा। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक गिनती ऊपर हो गई इस 1 के लिए। अब इस 9 के लिए नीचे 9 का पाड़ा, और 9 का मैं भी ऊपर ट्रिक आपको बता के आया हूँ। तो दोस्तों इन्हीं को क्या करते हैं, आपस में लिखते हैं, तो देखिए ये कैसे होता है 1, 9। अब यहाँ देखिए 3 वर्ड आ गया, तो दोस्तों जब ये 3 वर्ड आता है तो ये वाला इसमें जुड़ जाता है, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 8 रहेगा।
दोस्तों इसमें अगर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तीन दो कितना पांच, यहाँ पर कितना हो गया सेवन। दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो ये हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा चार तीन सात, नीचे कितना हो गया छह, यहाँ पर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा नौ पांच, यहाँ पर चलेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा ग्यारह, यहाँ पर चलेंगे छह कम से कम बारह तेरह, यहाँ पर थ्री थ्री हो जाएगा, यहाँ चलेंगे सात कम सात सदन चौदह और एक पंद्रह, तो यहाँ पर दोस्तों पंद्रह यहाँ पर कितना हो जाएगा दो, यहाँ पर चलेंगे आठ नौ सोलह सत्रह, यहाँ पर सत्रह वन हो गया, यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वन नाइनटीन। दोस्तों ये हो गया उन्नीस का पारा। अब अगर आपको दोस्तों चौबीस का पारा लिखना है तो ऊपर दो की टेबल और नीचे चार की टेबल, अगर आपको 26 का पारा लिखना है ऊपर दो का टेबल नीचे छह का टेबल और जहां जो वर्ड मिले उसको जोड़ देना है। बस एक चीज आपको और याद रखना है, अगर यहाँ पर इत्तेफाक से ऐसे आ जाता कि ये 15 और यहाँ पर मान लीजिए 45 हो जाता तो हमको क्या करना पड़ता, ये वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता, जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ये वाला वर्ड हमारा सिंगल है, अगर ये वाला वर्ड हमारा सिंगल है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे मैं 31 का पारा उठा लेता हूँ 31 का पारा, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया है ऊपर तीन का पारा, तो मैंने ये तीन की टेबल लिखी और इधर नीचे वन है तो इधर वन की टेबल लिखी। अब अगर इसको हमको कंबाइन करना पड़ा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 31, और यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 62, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 93। अब दिक्कत यहाँ से आएगी तो देखिए कैरी इधर से इधर की तरफ जाती है, इस पर कुछ नहीं है, इधर कहीं पर देखिए कैरी नहीं है, तो इसको हम इटे से लिख देते हैं 1 2 4, यहाँ पर देखेंगे 1 5 5, इसको इटे से लिख देंगे, इसको जोड़ना नहीं है, अगर इस पर कैरी होती तब हम इसको जोड़ते, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 8 6, यहाँ देखेंगे 2 1 7, यहाँ देखेंगे 2 4 8, यहाँ देखेंगे 2 7 9, यहाँ देखेंगे 31 0। तो दोस्तों अगर आगे भी आपको 42 का पारा लिखना है ऊपर 4 का पारा नीचे 2 का पारा, दोस्तों अगर आपको और भी कोई वीडियो बनवानी है किसी टॉपिक की तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए और हमारे सारे वीडियो आप देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।